विधायक दल की बैठक में जो एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ, जिन लोगों ने सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रचा था उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए और जो लोग इसमें शामिल हैं वो जनता की अदालत में भी उनके बारे में लोगों को बताया जाए और सभी विधायकों ने प्रस्ताव पारित किया कि जो 4 सीटें आई है वो उसके लिए हिमाचल की जनता का धन्यवाद करते हैं। लोकसभा में भी हमारा मत प्रतिशत जो है वो 14% बढ़ा है। हम 41% पर आए, पिछली बार हम 27% पर थे, तो हर प्रकार से हमने जनता की अदालत में 15 महीने के कार्यकाल को रखा। जनता ने विधानसभा में हमें 4 सीटों पर 2/3 मेजोरिटी से हमें सीटें जिताई है, जो अगले 3 चुनाव में हम उसकी तैयारी के लिए चर्चा हुई और निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में जो हमारे 3 चुनाव होंगे उसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा। और टिकटों के लेके मैं और मैडम प्रतिभा सिंह जी की अभी चर्चा होगी और पीसीसी अध्यक्षा और हम बैठ के चर्चा करेंगे और जल्दी टिकटों का वितरण कर दिया जाएगा। यह 2 प्रस्ताव पारित हुए जिसके बारे में हर्षवर्धन जी बताएंगे। एक और तीसरा है ना, एक मिनट, इसमें एक और है, ये मैं ऐड करना चाहूंगा। इसमें तीसरा प्रस्ताव भी एक पास हुआ है सीएलपी ने, सभी जो 38 विधायक हैं उन्होंने सर्वसम्मति से, और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती प्रताप सिंह भी मीटिंग में थी, पूरे कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है आस्था व्यक्त की है इनके नेतृत्व में जो है, और बुरा सहयोग का किया है क्योंकि इनके नेतृत्व में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है हिमाचल में बहुत अच्छा है। कांग्रेस विधायक दल मुख्यमंत्री के साथ जो है चट्टान की तरह जो है वो खड़ा है और आगामी जो लड़ाई जो हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़नी है, कांग्रेस पूरा, कांग्रेस विधायक दल और कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के साथ जो है वो खड़ी है। ये तीसरा प्रस्ताव हमारा था। देखिए, हमने पानी छोड़ा हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट को इस बार की जानकारी देने की बात हमने वकीलों को कही है। जो हमने पानी छोड़ा हुआ तो उसमें हम तो देने को तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्यों लताड़ लगाई ये हमें समझ नहीं आ रहा, जब हमने पानी छोड़ने का आदेश दे दिया है और निश्चित रूप से पानी हरियाणा से होकर जाएगा। हमारा पानी कोई हम रोक के थोड़ी रखे है, हम तो बोलते और जितना पानी लेना, दिल्ली भी हमारी राजधानी है, इस देश के नागरिक दिल्ली में भी रहते हैं और हमारा दायित्व भी बनता है, ये पुल का काम भी है। तो इसमें अभी मुझे इस बारे के फैसले का पता नहीं है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इस बात को कहा है, और अगर ऐसी बात है तो हम उनको आश्वासन देते कि हमारे पानी छोड़ा, हमने कोई रोका हुआ नहीं है। और ये किसने गलत जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी, मैं उस बारे में भी जानकारी प्राप्त करूंगा।